उत्तराखंड राज्य बने लगभग 22 साल हो गए हैं, पर आज भी अंतरराष्ट्रीय सीमा और पहाड़ी इलाकों में जरूरी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। ऐसा ही एक गांव है जो चंपावत जिले की नेपाल भारत सीमा पर स्थित है। इस गांव का नाम थपलियाल खेड़ा है, जो कि तीन तरफ से नेपाल सीमा से घिरा हुआ है और एक तरफ भारत का टनकपुर डैम है। गांव के लोगों को जरूरी सुविधाओं के लिए नेपाल पर निर्भर होना पड़ता है। रास्ता ये देख रहे हो, रोड हमें रोड है हमारे पास, न लाइट है, बच्चों के आने जाने बरसात के टाइम में ट्यूब से तारते हैं, 4 महीने तो बहुत दिक्कत होती है। बारिश के टाइम में हमने बोला एक पुलिया तो डाल दो, न पुलिया डालते हैं, कुछ नहीं देने वाले ठहरे। दौड़ा भागी करी मैंने, खजीमा तहसील थी, दौड़ा भागी करी, रिकॉर्ड रखा, मुझे मुखिया बनाया गया। मैंने जो है ग्राम सभा सलानी गोड में सम्मिलित हुआ, उसके बाद 5 से 5 वर्षीय हो गई हैं, वोट देना शुरू करा, बहुत कुछ करा। आते हैं वोट वाले, वोट मांगने, करते कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है यहाँ का माहौल। ये सरकार ने लगाया आपके? हाँ, ये देखो, ये सोलर के है। हाँ, ये अब बैटरी खराब हो गई, 1 साल चला ये। 1 साल पहले लगाया था? हाँ, ना ये हो गए 2 साल, दो साल हो गए। 2 साल पहले लगाया? हाँ, 2 साल पहले लगाया, एक तो बैटरी खराब हो गई, अब ये धूप नहीं आ रही, हम अंधेरे में रहे। तो 1 साल ही चला और 1 साल पहले खराब हो गया, बस। तो ठीक कराने के लिए कोई कुछ नहीं हुआ? अब बोलते हैं बिजली विभाग में जाने पड़ेगा, चंपावत वहाँ कहाँ जाए हम। गांव में बिजली नहीं होने के कारण अनाज पिसवाने के लिए नेपाल जाना पड़ता है। इस गांव में 2 दशक पहले डीजल वाली चक्की और पानी का पंप था, पर डीजल के दाम महंगे होने के कारण वो बंद हो गया। हमारा ये आटा चावल के लिए चक्की जाते हैं, हम लोग नेपाली जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ चक्की की सुविधा नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है? बिजली नहीं है तो चक्की कैसे होगी? पहले थी सर बिजली, हमारे पास चक्की थी डीजल से चलने वाली, अब डीजल इतना महंगा हो गया तो फिर वो चक्की कैसे चलेगी? बंद हो गया। हाँ, कितना टाइम हो गया वो चक्की बंद? तब तो शायद हम लोग पैदा नहीं होंगे, दादाजी लोग चलाते थे जमाने में। अच्छा, डीजल महंगा होने के? हाँ, डीजल महंगा होने के कारण फिर बंद करनी पड़ी, फिर अब हम लोग सब नेपाली जाते हैं। सर ये मिला है सोलर वाटर पंप, ये अगर ऐसा मौसम होगा तो बिल्कुल चलेगा नहीं, ये मौसम देख लीजिए आप। हाँ, अगर बारिश तो यहाँ बहुत होती है। हाँ भी बारिश होती है जी, मानसून में भी। अभी कल भी बारिश हो रही थी सर यहाँ। ये सिर्फ धूप आने पर ही चलता है, अगर मौसम कहीं गड़बड़ा गया तो फिर पानी बंद हो जाता है सर। सोलर पर चलने वाला पानी का पंप ज्यादातर खराब मौसम होने के कारण काम नहीं करता, इसलिए पड़ोसी गांव से 125 भारतीय रुपया प्रति घंटे के हिसाब से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ना ना, नेपाल में भी ऐसे ही अपना बोरिंग लगा रखा है पर्सनल लोगों ने, नाली बनाई हुई है, तो वहाँ से लेते हैं वो 200 रुपये घंटा लेते हैं नेपाल वाले। नेपाल वाले जी, तो आपको पानी देने सिंचाई के लिए भी पानी नेपाल से लेना पड़ रहा है? हाँ, 200 रुपये प्रति घंटा। हाँ, 200 नेपाली हुआ, जैसे 125 रुपये इंडियन हुआ। इस गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर शहर टनकपुर जाना पड़ता है। यहां जाने के लिए लोग अपनी जान पर खेलकर एक नहर को पार करते हुए जंगल के रास्ते टनकपुर पहुंचते हैं। यहां से टनकपुर जाना पड़ता है, सिलेंडर हो कुछ हो, छोटा मोटा गांव है। नहर पार करके जाते हैं, इतने भारी सिलेंडर लेके? अब क्या करें, फिर समस्या ही है सब कुछ। अच्छा, कैसे जाते हैं सिलेंडर लेके? सिलेंडर बाइक में बात किया, साइकिल में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा साधन। बाकी सरकारी योजना के लिए आपको सर, अगर अनाज मिलता है भारत सरकार से या कुछ, तो उसके लिए भी कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ मनियारकोट है गल्ला, वहाँ जाना पड़ता है। मनियारकोट जी, ये बैराज से आगे है थोड़ा, एक गांव आगे है। कितना किलोमीटर है ये? होगा 8 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर। वो भी ऐसे ही जाते हैं? जी जी। रोशनी के नाम पर एक सौर ऊर्जा के ऊपर ही रखा गया है, वही हमारा एक वो है, वो भी धूप आ जाए तब चलेगी, नहीं तो वो भी बंद रहता है। अब आज धूप नहीं है तो रात को अंधेरा रहेगा घरों में सबके। विडम्बना यह है कि ब्रिटिश काल का जो कानून बना था उस समय, वन भूमि का, वन विभाग का, पता नहीं क्या ऐसा कानून बना था जो जिसकी सजा आज तक हम लोगों को मिल रही है। 50-60 वर्षों से अधिक हो चुका है हमारे गांव को यहाँ बसवा हुए,
अभी तक कोई भी सुविधा ग्रामीणों को नहीं है। आप देख रहे हैं ना रोड है, ना बिजली है, स्कूल है प्राइमरी 5वीं तक है, उसका भी टीन सेट SSB के द्वारा दिया गया है। सरकार ने नहीं दिया अभी तक, दिया है यही बोलते हैं कि फॉरेस्ट लैंड है, इसके लिए NOC चाहिए। अब सरकार, हमें उम्मीद थी सरकार से, डबल इंजन की सरकार थी आज तक, तो हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारे लिए कोई सोचेगा, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं है ग्रामीणों के पास। वो 20 फुट के हैंड पंप हैं पाइप के, उसमें किसी के कीड़े निकलते हैं, किसी के ज़्यादातर लोग डायरिया पीलिया इस चीज़ की शिकायतें ज़्यादा हैं ग्रामीणों को। हमारा थपलियाल खेड़ा यहाँ से कटा हुआ है और ये 809 नंबर पिलर देखिए आप, इसके उस साइड ये नेपाल है। कितनी अच्छी रोड बनी हुई है सर देखिए, और लेंटर वाले घर हैं सबके, अच्छी सब सुविधाएं हैं इनके पास। हम लोग देखिए सर कैसे रह रहे हैं, हमारे घर ये झोपड़े देखिए सर, टीन सेट बना के रह रहे हैं। 15-20 साल हुए हैं, श्रीलंका नाम करके गांव है नेपाल का, जो कि इस नाले के पार है। उसके लिए अभी नेपाल सरकार ने पुलिया बना दी है, वहीं पर चेक पोस्ट है उनकी APF की, और वहीं लाइट की व्यवस्था भी हमारे देखने में 15-20 साल के अंदर उनके लिए हो गई है सारी सुविधा। लेकिन हमारी विडम्बना यह है कि हम अपनी भूमि में रह के, अपने भूमि में इतने वर्षों से रह रहे हैं, हम अपने ऊपर मकान के ऊपर छत नहीं डाल सकते हैं। जी इस बार सर बरसात के समय में इतना पानी भर गया था हमारे गाँव में, आप ये देख रहे हैं ये गड्ढा, ये हमारे गाँव के लेवल से पूरा पानी भर के पूरा भरा हुआ था ये सर। वो आगे पेड़ जंगल है ना सारा, वो भरा हुआ था। वो पिलर है इंडिया नेपाल का, वो सर सफ़ेद सा चमक रहा है, वो पूरा ये पूरा एरिया ही पूरा पानी से भर गया था सर। और ये भूकटाव की भी समस्या है हमारे गांव में। जब यहाँ पानी भरा सर, टनकपुर आना जाना हमारा बंद, मतलब अपने देश से मतलब हमारा संपर्क टूट गया था ना, हम लोग बाज़ार जा पाए। उसके दूसरे दिन जब पानी थोड़ा कम हुआ तब हम बाज़ार जा पाए, वो भी मतलब यहाँ से साइकिल में, बाइक का रास्ता ही बिल्कुल ख़राब हो गया था। स्कूल के बच्चों का खतरा भी है सर, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे चले जाते हैं और बारिश होती है बाद में, फिर रास्ता बंद हो जाता है, फिर उनको वहीं रुकना पड़ता है। ऐसे में अगर वहीं रुकते हैं सर, ये जंगल की तरफ उधर थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब हाँ यहाँ शेर भी आता सर, यहाँ बछिया खा दी किसी की। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो चलाएगा शौचालय पूरे देश में हर ग्रामीण क्षेत्र में दिया गया सरकार द्वारा, लेकिन हमारे ग्रामीणों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। मेन चीज़ ये रहा कि कोई भी कार्य करने के लिए, सरकारी कार्य करने के लिए फॉरेस्ट गार्डनगा मेन है यहाँ पर। जैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी नहीं मिल पाता। ना वो भी नहीं मिल पाता है। गाँव के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नेपाल में एक प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। अरे इसके बाद क्या, ये तो जाते आते जाते रहते हैं हम लोग, तो अभी सर्दी जुकाम है वहीं जाते हैं, कौन जाए टनकपुर, यहीं पे है वो अस्पताल। हाँ अगर ज़्यादा तकलीफ हो गई तब जाते हैं, और जहाँ तक है यहीं ठीक है अस्पताल, दवा ठीक देते हैं। सुविधा सर ये लेनी पड़ती है हमारे पास ना, यहाँ पर मेडिकल स्टोर तक नहीं है गाँव में कोई मेडिकल, ये अगर किसी को चोट लग जाए तो हम नेपाल पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि तीन छोर से नेपाल से घिरा हुआ गांव है हमारा। स्थानीय खबर में टनकपुर के SDM हिमांशु कफलटिया ने बयान दिया है कि वन भूमि होने की वजह से गांव में विकास प्रभावित हो रहा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि टनकपुर डैम से नेपाल के लिए नहर बनाया गया है, वो भी इसी वन भूमि में आता है और टनकपुर डैम की बिजली भी नेपाल जाती है, पर इस भारतीय गाँव के लोगों के लिए नहीं। यहीं पड़ोस में नेपाल में देख लिए, कल तक कुछ नहीं था, आज रोड जगह जगह रोडों का जाल बिछा हुआ है, और हमारे घर में अंधेरा है, हमारे यहाँ से लाइट वहाँ गई है, नेपाल में उजाला है, हमारे घरों में अंधेरा छाया है। आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव है, पर यहाँ के लोगों ने राजनीतिक पार्टी और नेताओं से उम्मीद छोड़ दी है। वोट इस साल हम नहीं दे रहे हैं, गाँव वाले कोई नहीं, मैंने बोला किसी को मत देना ना, सिर्फ एक वोट मत का प्रयोग करने का अधिकार यहाँ पर बूथ जो है हमारे सरकार द्वारा दिया गया है, बूथ यहाँ पर है, पोलिंग बूथ टाइम से आ जाता है। अच्छा। अगर पोलिंग बूथ यहाँ पर बन सकता है तो सरकार द्वारा दी गई जो भी सरकार ने चलाई है योजनाएं, उनका भी लाभ हमें मिलना चाहिए।